हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस सेट पर, ईवीएस की प्रैक्टिस सेट पे। आज जो है सीडीपी का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो आज से जो है मैं कोशिश करूँगी कि अब कोई जो है बीच में गैपिंग ना हो आपकी क्लासेस में। तो डेली क्लासेस होंगी आपकी और जो है प्रैक्टिस सेट भी डेली होंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कौन सी क्लास, किसकी, सीडीपी की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सीडीपी का पहला प्रैक्टिस सेट आज लेकर आई हूँ। इसके अलावा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, और आपका रहेगा जो है ईवीएस का टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है या यह कहलाता है। जब बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के बीच में होता है तो उसे कौन सी बुद्धि कहते हैं। इसे प्रखर बुद्धि कहते हैं जी नहीं, उत्कृष्ट बुद्धि नहीं, प्रतिभाशाली बुद्धि नहीं, इसे क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि। ठीक है, बच्चे का 90 से 110 के बीच में जब रहता है बुद्धि लब्धि तो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, प्रखर बुद्धि में होता है 110 से 120 तक। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा होता है 140 प्लस करके। ठीक है, वो बच्चा प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए है। यह क्या है, अधिनियम है, यह कितने वर्ष के बच्चे के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसमें कौन से बच्चे आते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं 1 से लेके 8 तक के बच्चे आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि, बुद्धि को ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी, देखिए सर्वाधिक अच्छी विधि पूछा है। देखिए विधि तो ये भी है, विकासीय विधि भी संख्यक है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी, मनोविश्लेषण विधि। आप अगर मनोविश्लेषण विधि को जानते हैं तो इसके माध्यम से आप बच्चे के विकास और बुद्धि के सबसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, जानकारी या अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान दिया, अधिमान बोल दे या स्तर बोल दीजिए, ठीक है, निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए निगेटिव पूछा है तो निगेटिव पे जाएंगे, नहीं है इसमें आपका स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि की भी बात की थी बट इन्होंने भावात्मक बुद्धि की बात नहीं की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब देखिए मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे आयु। ठीक है, ये है आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा। तो ये है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, इसी को शॉर्ट में कहते हैं आई क्यू बराबर मानसिक आयु MA/CA × 100। ठीक है, ये हो गया इसका शॉर्ट में आपका फॉर्मूला। अब इस बेस पे आप देखेंगे मानसिक आयु क्या है, 5 ईयर्स, मानसिक आयु 5 है तो 5 आप ऊपर लिखेंगे, वास्तविक कितना है 4 है, 4 आप नीचे लिखेंगे, गुणे आप क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए 25 चौक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अब 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 125।
125 हो जाएंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह कहा था आपके स्किनर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? किस आयु में हिंदी के अक्षरों को बच्चा जानने लगता है? तो 5 वर्ष का बच्चा जब होता है तो क्या करता है, हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया, एलेक्सिया है 8वां क्वेश्चन है, एलेक्सिया है, एलेक्सिया किसे कहते हैं? तो एलेक्सिया आपको कहते हैं पढ़ने की अक्षमता को, एलेक्सिया किसे कहते हैं? पढ़ने की अक्षमता को। देखो मैंने एक वीडियो में बताया था लक्सिया को ही बच्चा अक्सिया डक्सिया पढ़ता है, तो यानी उल्टा पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ने में दिक्कत कर रहा है बच्चे को, तो क्या पढ़ेगा, लक्सिया को डक्सिया बोल देगा अगर, ठीक है, मतलब बोलने के तरीके में उसके कहीं भी बदलाव आती है तो क्या हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता हो जाती है, ठीक है। चलिए प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है, 11 से 15 वर्ष ये होगा, एज क्या है 11 से 15 वर्ष की मानी है इन्होंने। इसमें बच्चा चिंतन करने लगता है, ठीक है, चिंतन करने लगता है, सामाजिक कार्य करने लगता है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती है एडल्ट में वो सारे काम ये करने लगता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए दिन पूछा है यहाँ पे, मंथ आपका कितना लग जाएगा, 9 मंथ, 9 मंथ लगता है बच्चे का गर्भ में, लेकिन दिन पूछा है तो दिन आपका 280 दिन, ठीक है, आप देख लीजिएगा जोड़ के, आपको 9th मंथ ही मिलेगा, तो 280 दिन इसके क्या हैं, गर्भ में बच्चा विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का जो है अध्ययन किया? एक मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अपने 3 साल के बच्चे पर अध्ययन किया था, वो हैं पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने अपने 3 साल के बच्चे पर क्या किया, अध्ययन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर या फिर पैर से सिर की ओर या फिर दोनों ओर से? बच्चे का विकास सबसे पहले सिर होता है फिर जाके पैर तक होता है, यानी बच्चे का विकास सिर से लेके पैर तक होता है, ओके। नेक्स्ट, विकास के संबंध में गलत कथन पूछा है, गलत पूछा है, तो विकास के संबंध में गलत बताना है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, दिशा सिर से पैर की ओर, अभी जस्ट अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है, पैर सिर से पैर की ओर तो सही है, वर्तुलाकार होता है, सही है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह गलत है, जबकि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं पूछा है, डिम्ब है, बीजकरण है, भ्रूणावस्था है, लेकिन आपका शैशवावस्था नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास मनोभौतिक है या नहीं? शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, बताइए। आंसर होगा आपका मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास नहीं होगा, शरीर तथा हृदय गलत, आपका आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास गलत, इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा क्या, मन तथा शरीर का विकास जो है मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, सबसे पहले गर्भ में किसका निर्माण होता है? सबसे पहले गर्भ में बच्चे का सिर का निर्माण होता है, ठीक है, उसके बाद धड़ का, फिर जाके पैर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 तो वयस्क मानव के शरीर में होता है, ठीक है, लेकिन 270 जब जन्म लेता है बच्चा, उस वक्त बच्चे के जो हड्डियों की संख्या होती है क्या होता है शिशु में, 200
271 है, 70 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 270, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, बालक अपनी माँ को किस माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो तीसरे माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। शिशु को देखिए, वयस्क में 450 ग्राम का भार होता है मस्तिष्क का, लेकिन शिशु में 350 ग्राम का भार होता है मस्तिष्क में। तो सही आंसर हो जाएगा, किसका पूछा है, शिशु के मस्तिष्क का, तो 350 हो जाएगा। वयस्क मानव का पूछेगा तो 450 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है, कोई आंसर आ जाएगा शैशवा अवस्था और किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य मुख्य अंगों का बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस वर्ष में, बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष की अवस्था में करने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में करता है बच्चा, तो ऐसे कार्य बच्चा शैशवा अवस्था में करता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और तीन पहिए की गाड़ी चलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होता है, सर्वप्रथम बोला है, देखिए आकर्षित तो माँ की तरफ भी होता है, ध्वनि की तरफ, भोजन की तरफ, बट सबसे पहले वो आकाश जो है प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए या शांत करना चाहिए या उत्तेजित करना चाहिए या फिर सक्रिय, बच्चे के जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है, तो आप उसी वक्त उस चीज़ का जवाब दे दें, अगर नहीं आता है तो आप ढूंढ कर कहीं से भी उसको जवाब दीजिए बच्चे को, ठीक है। तो आपका काम क्या है, बच्चे के जिज्ञासा को शांत करना, कुछ भी बच्चा पूछता है उसका आंसर आप दो, ठीक है, और सही आंसर देना है, तब जाके बच्चे का जिज्ञासा जो है शांत होगी। अगर आप बच्चे को डांटते फटकारते हैं, उसका दमन करते हैं, तो बच्चा आपसे आगे चल के सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, हीन भावना उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि बच्चे को क्या है, बच्चे के सारे जिज्ञासाओं को शांत करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट में आने वाले सारे प्रश्न थे, ठीक है। इसमें है 1930, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो आई होप आज की जो है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, CDP अब जो है CDP और EVS की प्रैक्टिस सेट हमेशा चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, और मैं कोशिश करूँगी हिंदी की भी जल्द से जल्द लेकर आऊँ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो अब आपकी क्लास की गैपिंग नहीं हुई, इस बीच में बहुत सारी गैपिंगें हो चुकी हैं, बट आज से जो है आपकी कंटिन्यू क्लासेस बनी रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उन सबसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट होती है अच्छी, और वो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट EVS की बात होती है। आप जाके प्लेलिस्ट देखिए, 3 प्लेलिस्ट है, एक है आपकी शॉर्ट ट्रिक की, दूसरी है आपकी फुल वीडियो की, जिसमें EVS की क्लासेस लगातार होती रही हैं टॉपिक वाइज और पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो नहीं आने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात है, आपका एक प्लेलिस्ट और है जिसमें आपकी प्रैक्टिस सेट EVS की चल रही है, ठीक है। तो इन सारी को देखिए, आज CDP का है तो CDP की भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप सारे प्लेलिस्ट को जो है ख़त्म कीजिए, एग्ज़ाम तक बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।